वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो है क्या है तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनके मिनिमम कैसे देंगे और साथ में उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो कैसे कैसे होगा। इसके बिना जो इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले आपको तीन वीडियो जाएंगे कैसे एक डी ब्लॉक एलिमेंट एक एस ब्लॉक में लेंथ नाइट और एक एस ब्लॉक में एक्टिव नाइट थी तो जो उसके एलिमेंट होते हैं उनको हम याद कैसे रखेंगे उनके अटोमिक नंबर कैसे कैसे होते हैं और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या क्या होता है। तो इसके इसके एन सी आर टी के एग्जाम में इससे पहले आपको ये तीन वीडियो देखना कंपल्सरी है। तो आपको ये एन सी आर टी की जो सोल्यूशन करना है वीडियो तो लेकर सबसे आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं उनको क्योंकि जो भी अपना वैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी स्ट्रक्चर में जाता है डी स्ट्रक्चर में जाता है। ठीक है ये तो बात ठीक है। अब देखो यहाँ से जो अपने डी ब्लॉक एलिमेंट वो 21 से स्टार्ट होते हैं 30 तक जाते हैं 21 से 30। और उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो वैल्यूएशन होगी उसके बाद जो अपने तो हम देखेंगे कि तो पॉइंट कैसे याद ये भी हम देखेंगे कि जो ब्लू पॉइंट को याद करना पड़ेगा हमें पहले तो 21 से 30 कैसे याद होंगे उसके बाद जो 21 वाला भी दिखाई दे उनके जो एलिमेंट है उनको याद देखेंगे क्योंकि आपको अगर 20 से 30 एलिमेंट याद हो गए उनका कॉन्फिगरेशन जो भी याद होगा तो वहाँ से आप जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट है उनका यही बता सकेंगे। जो अपने 21 से 30 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं सीधी एलिमेंट। तो देखो इसके लिए आप सीखती है क्या सबसे हाफ फील्ड बन जाएगा। तो हाफ फील्ड होता है इसकी जो
करने की होती है वो अपनी ज्यादा, और इसकी वजह से इसकी कॉम्बिनेशन को हम ऐसे ना लिखते हुए कैसे लिखेंगे, cos x1 2d y। इसकी कैसे होगा ये, जब या तो वहां पे पॉसिबिलिटी हो हाफ फील्ड होने की, बिकॉज या तो जो कंप्लीटली फील्ड होने की पॉसिबिलिटी हो उस टाइम पे हम ये कॉन्फिगरेशन लेंगे। अब बात आती है मैंने, तो यहाँ पे भी और तो cos x2 3d या तो कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे अगली वाली में कोई नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। क्या हो गया तो CD6 और तो CD7 और तो CD8 ऐसे ही जिसको ले सकते हैं तो, और तो ऐसे तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्या कि कोई ऐसी सीधी नहीं, ऐसे अभी यहाँ पे यहाँ पर बिगड़ गई है। जब हम यहाँ ही लिखेंगे तो कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन हो और इसको मिल जाए तो क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली फील्ड कंप्लीटली फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए क्या होता है जैसे कि यहाँ पे हुआ था ना अपना इसमें हुआ था, वैसे यहाँ पे जाएगा क्या इनके कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे होता है। जब भी पॉसिबिलिटी हो फिर हम यहाँ पे हाफ फिल मिलाए या कंप्लीट फिल मिलाए ना देखते हैं, ठीक है। और बीच की बात आती है तो और तो कोस एक्स टू थ्री डी सेवन, ठीक है ये बात थी। अब देखो ये इतना आपको अगर जा रहा है तो नेक्स्ट वाले आप अपने आप बना सकते हो, कैसे कैंडियम है, कैंडियम से जो नीचे ग्रुप में आएंगे उसकी जो स्थिति हो क्या है वाई लाइन फाइव लाइन से कैंडियम आई मतलब वाई और लास्ट इज एल, ठीक है। ऐसे टाइटेनियम से भी नीचे कहीं मिल रहा है उनकी जो स्थिति हो क्या साइन जीरो खटो खटो मतलब साइन से सी आई जीरो से मतलब जेड आर जिकोनी और खटो से एस एस होती है। इसके बाद वेनेडियम देखेंगे तो वेनेडियम की जो स्ट्रिक होगी वो होगी जी होगी तक जी होगी तक एम डी और सी ए जो इसके नीचे ग्रुप में आते हैं नियोडियम और टाइटेनियम। इसके बाद है मैंगनीज पहले टोरियम है, टोरियम फिर टोरियम की जगह पे वो क्या होगी कैसे मोल कैसे मोल तो एमओ से वो भी देखते डब्ल्यू से लगभग तक ऐसे ही जो मैंगनीज होगा उसकी तरफ से होगी मन तक होगी मन तक होगा टी सी आर सी ऐसे ही क्या आयरन से नीचे क्या आएगा आर टी ओ एस आयरन कौन सी बात है ओ एस गुलाब का से आर यू ओ सी से ओ एस। इसके बाद कोबाल्ट से नीचे क्या आएगा कोर रहेगा उजाल आर एस आई आर ऐसे ही नीचे से नीचे जाएगा नहीं सलोगे तो सुटोगे ऐसे कॉपर से नीचे से आएगा कॉपर सिल्वर गोल्ड और जिंक से नीचे जाएगा जिंक एल्यूमिनियम मर्क्यूरी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सिल्वर मेटल और आयरन को मिला कर ओके इसके लिए है कौन से जान इसके लिए है नहीं सलोगे तो सुटोगे इसके लिए है कॉपर सिल्वर गोल्ड और जल्दी से तो इनके जैसे यहाँ पर तीन जीत करनी है ये वाली चीज ये होती है। तो आपको समझाया था और इनके आप परसेंट नंबर का है ना तो इससे 21 में जब हम 18 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाले का मिल जाएगा और जब इतने हम 33 ऐड करेंगे तो इससे नेक्स्ट वाले का मिल जाएगा। और तो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा डिफरेंस कहाँ पे होगा इसके जो उनकी अपनी इनर टेरेक्टरी दी है इसमें जो इनर टेरेक्टरी होगी इसकी कॉम्बिनेशन वो उससे नेक्स्ट वाली हो जाएगी जैसे बिना बिना और बिना इसमें तो कौन सी गैस होगी अपनी पिटो और इसमें होगी जीरो कितना सा खास है होप आपको ये समझ आया होगा कि इसकी चीज के क्या याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे देखो कैलियम इसका कॉन्सेंट्रेशन देखा आपने टाइटेनियम का देखा है जिस तो हमने ये इसका देख चुके हैं फिर भी सीधी कैलियम का हम कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं। अब हम इसे ही बनाएंगे किसका थोड़ी सी चीज का तो यहाँ से हमने कैलियम का जो कॉन्सेंट्रेशन देखा था वो क्या देखा था आर वन फोर एस टू सी डी वन ये देखा था और एटोमिक नंबर की बात की तो इसका जो एटोमिक नंबर था 21 है। जब हम 21 में 18 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 1 9 और 2 1 2 और जब इसमें हम 32 39 और ये होता है 57 ये भी 57 से होता है क्योंकि यहाँ पे एक लैंड लेवल की सीधी जाती है बस इसलिए आपको ध्यान देना लैंड लेवल कंप्लीट होता है 57 से 71 तो बीच में वो आ जाते हैं जब हम पीरियडिक टेबल देखते हैं यहाँ से देखें तो टाइटेनियम का कितना 22 और इसमें 89 हमने किए तो 8 2 10 2 1 2
5 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
धन्यवाद।